नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल अकाउंट को एक ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आप नया ब्रांड अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले YouTube खोलेंगे, जैसा कि हमेशा खोलते हैं। YouTube खुलने के बाद आपको सबसे राइट में टॉप कॉर्नर पर जाना है, उसके इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। आपका क्रिएटर स्टूडियो कुछ इस तरीके से खुलेगा। अगर नहीं खुला तो आपका स्टूडियो बीटा खुल रहा है, तो स्टूडियो बीटा कुछ इस तरीके से खुलेगा। अभी खुलने दीजिए इसको। कितना देर लग रहा है जी, जल्दी खुलो ना। स्टूडियो बीटा जो है सो खुलने में पता नहीं क्यों टाइम लगता। हाँ, तो कुछ इस तरीके से खुलेगा आपका। और अगर इस तरीके से खुल रहा है तो आप जाइए सिंपली सेटिंग में क्लिक कीजिए और यहाँ पे खुल जाएगा। ये आ गया। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रिएटर एक्सपीरियंस में आप स्टूडियो बीटा सेलेक्ट होगा आपका, तो आपको क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक सेलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है। और उसके बाद जो है तो फिर से यूट्यूब खोल के क्रिएटर स्टूडियो खुलना है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। और चूँकि मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है ये वाला क्लासिक, तो इसलिए हम यहाँ पे जब आ जाइएगा तो उसके बाद आप इसके भी टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऐसा कुछ खुल जाएगा। उसके बाद YouTube सेटिंग पे क्लिक कीजिए और उसके बाद कुछ ऐसा खुल जाएगा आपका। उसके बाद आपको चूँकि अकाउंट मूव करना है आपका पर्सनल अकाउंट, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक ब्रांड अकाउंट होना चाहिए। मतलब आप एक ब्रांड अकाउंट जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो मूव नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप ऑप्शन है सी ऑल माई चैनल्स और क्रिएट ए न्यू चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहले ब्रांड अकाउंट नहीं क्रिएट किए होंगे तो आपका सिर्फ आएगा क्रिएट न्यू चैनल, और चूंकि हम क्रिएट किए हैं तो यहाँ आ रहा है सी ऑल माई चैनल और क्रिएट ए न्यू चैनल, ठीक है। आपका आएगा सिर्फ क्रिएट ए न्यू चैनल हो सकता है, क्योंकि आप अगर पहले नहीं क्रिएट किए होंगे तो पहले भी क्रिएट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है सी ऑल माई चैनल और क्रिएट न्यू का। इस पर क्लिक करना है आपको, सिंपल सा बात है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आएगा। देखिए ये ब्रांड यहाँ पे लिस्ट है, नीचे में ब्रांड अकाउंट है और नीचे ब्रांड अकाउंट है और ऊपर में जो है सो ये आपका जो है सो मेन अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा सिर्फ सिंगल। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद ब्रांड अकाउंट नेम डालना है आपको, कुछ भी जो भी आप है। इस केस में हम डालेंगे, क्या हुआ जी, हाँ इस केस में हम इसका नाम डालेंगे UTSAV स्पेस NISHANT निशान, ठीक है। और हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट होने दीजिए। सेट SID। तो अब देखिए मेरा नया चैनल जो है क्रिएट हो गया और ये अकाउंट जो है सो एक ब्रांड अकाउंट है। तो आपको फिर से YouTube खोलना है, यहाँ पे काट के youtube.com फिर से खोलना है, लेकिन इस बार आप अपने ब्रांड अकाउंट से साइन इन होंगे, ठीक है। तो टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे जाना है आपको, ठीक है, और स्विच अकाउंट पे क्लिक करना है फिर से। उसके बाद आप देखिएगा utsavnishan4@gmail.com में दो गो अकाउंट है। एक वो अकाउंट है जो अभी अभी बनाए हैं, ये वाला फर्स्ट वाला, और एक सेकेंड अकाउंट है जो इसका प्राइमरी अकाउंट था पहले से। तो प्राइमरी अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका फिर से वो प्राइमरी अकाउंट खुल जाएगा, फिर से वहीं पे क्लिक करना है और आपको क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। कहने का मतलब पहले एक ब्रांड अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपके पर्सनल अकाउंट को ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ये होता है। तो उसके बाद फिर से आप देख लीजिए खुल गया क्रिएटर स्टूडियो। उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो एज ऑलवेज फिर से क्लिक करेंगे और ये वाला जो सेटिंग है इस पर यूट्यूब सेटिंग है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये खुल जाएगा और सी ऑल माय चैनल और क्रिएट न्यू चैनल पे अभी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये वाला चैनल क्रिएट है। ये चैनल आप देख सकते हैं क्रिएटेड है और एक ये चैनल क्रिएटेड है।
और नीचे में ब्रांड अकाउंट फॉर उत्सव निशांत एक ये चैनल है, जो कि अभी हम इसको डिलीट पे डाल दिए हैं, ये डिलीट हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो आपको जाना है वहाँ से क्या कहते हैं एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग के बाद आपका कुछ इस तरीके से खुल जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। जब खुल जाएगा तो आपको पासवर्ड मांगेगा ये, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है अपने जीमेल अकाउंट का, उसके बाद नेक्स्ट करना है और देख लीजिए यहाँ पे आपसे आ गया दिख रहा है योर चैनल नाउ, उसके बाद कनेक्टेड अकाउंट और नीचे में माय चैनल आफ्टर मूव। तो इसमें दो ब्रांड अकाउंट है, एक अभी जो क्रिएट किए हैं ये वाला और एक ये वाला जो पहले से क्रिएटेड है। तो आपको जो आप जो है सो ब्रांड अकाउंट जो आप क्रिएट किए होंगे उस पर क्लिक करना है। तो हम इस पर करेंगे इस केस में उत्सव निशांत पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये लिख रहा है उत्सव निशांत इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू अनदर यूट्यूब चैनल, ये क्या मतलब हुआ। The currently connected channel will be deleted. If you move your channel to brand account, the currently connected channel will be deleted. हाँ, तो delete कर दीजिए, अगर ऐसा आया तो delete कर दीजिएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि ये पहले से ही किसी चैनल से connected है। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको आप delete कर दीजिएगा और delete करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाएगा your channel now और connected account माय चैनल आफ्टर मूव और कनेक्टेड ब्रांड अकाउंट, ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे मूव चैनल है, इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आएगा ये देख सकते हैं योर यहाँ पे कुछ आर यू श्योर यू वांट टू मूव योर अपडेट और एंड अपडेट योर चैनल। उसके बाद यहाँ पे कुछ नियम कानून या इसके जो नतीजे होंगे वो लिखे हुआ है, जैसे कि योर चैनल नेम एंड आइकन विल बी अपडेटेड अक्रॉस यूट्यूब, ठीक है, योर चैनल इतना विल नॉट चेंज, ओके, यूआरएल जो है तो सेम होगा। उसके बाद सम कंटेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये भी याद रखिए, कुछ कंटेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो होगा जैसे कि आप कस्टम यूआरएल यूज़ नहीं कर पाएंगे, मेरा कस्टम यूआरएल उत्सव निशान था और योर आपका कॉमेंट जो है सो मूव नहीं होगा। तो ये दो बात है, उसके बाद मूव चैनल पे क्लिक कर देंगे, मूव चैनल पे क्लिक करने के बाद ये मूव हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इट मे टेक अप टू 10 मिनट फॉर अपडेट टू योर अकाउंट टू बी कम्प्लीटेड, तो ये 10 मिनट्स लेगा और योर चैनल हैज़ बीन सक्सेसफुली मूव्ड यहाँ लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये 10 मिनट्स बाद जो है तो सारा का सारा डेटा इससे उठ के और इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यही एक प्रोसीजर था, आपको हम बता दिए पूरा प्रोसीजर। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, तो YouTube खुल जाएगा, ये पता नहीं कौन सा अकाउंट खुल गया है। तो उसके बाद आपका YouTube अकाउंट जो है सो मूव हो जाएगा कम्प्लीटली। और तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, यही प्रोसीजर था, इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।